और हम बता दें आपको कि आज जम्मू के यात्री निवास से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप भगवती नगर पहुंचे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इस बार भी भारी भीड़ उमड़ी है। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में देश के अलग अलग कोनों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी श्रद्धालुओं के लिए पूरे इंतजाम किए गए। तो देखिए बम बम भोले के जयकारों से गूंजता हुआ इस समय वो बेस कैंप जहां से अमरनाथ यात्रा रवाना होनी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी। और ये देखिए मनोज सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं झंडा दिखाते हैं। इस वर्ष पिछले साल की जो आपदा हुई उसको देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन उनकी होली केव के आसपास हम यात्रियों को रात के लिए रुकने से मना कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सभी यात्री जो अपने बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस नीचे के कैंप्स में आएं या जो बेस कैंप की तरफ अग्रसर हों, तो इसके लिए उन सबको वहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी न्यूज संवाददाता रजत वोरा ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, ये जो अमरनाथ यात्रा है ये आतंकवादियों के टॉप टारगेट पर होती है। हमेशा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है उसकी कोशिश रहती है कि इस यात्रा को टारगेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सनसनी फैलाई जाए। लेकिन पिछली बार आपदा भी आ गई थी, उसके चलते भी जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। तो क्या तैयारियां आप जमीन पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल शोभना, इस बार ही खास तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा की गई हैं। खासतौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया, पिछले साल जो एक बड़ी आपदा जो है वो बाबा अमरनाथ के दरबार में आई थी, उसको देखते हुए स्पेशल आईटीबीपी की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। साथ ही साथ माउंटेन रेस्क्यू टीम की जो तैनाती है वो अलग अलग पॉइंट्स पर की गई है। इस बार एक स्पेशल इंतज़ाम जो सरकार ने किया है वो ये है कि क्योंकि पिछली बार जो यात्रा मार्ग था वहाँ पर बाबा बर्फानी का जो दरबार है उसके कुछ ही पास में जो टेंट्स लगे हुए थे जिसमें दरबार में रात को लोग रहते थे, वहाँ से इस बार लोगों को रहने के लिए मनाही की गई है। सबको कहा गया है कि आप यात्रा करके तुरंत या तो बेस कैंप वापस आ जाइए या फिर आप वापस जम्मू की ओर रवाना हो जाइए और जहाँ जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जाइए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा स्पेशल तैयारियाँ की गई हैं। CRPF कमांडोज को जगह जगह पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किया गया है। खासतौर पर जो ड्रोन यूनिट्स हैं इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड और जो इसके अलावा डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो 5 से 7 CRPF के जवानों के साथ जगह जगह पर तैनात रहेंगी, जो कि पहले पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही हैं और उसके बाद ही यात्रा को आगे रवाना किया जा रहा है। यात्री निवास जम्मू की बात करें तो उन्हीं लोगों को जम्मू यात्री निवास में एंट्री दी जा रही है जिनके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, यानी ताकि जितने भी श्रद्धालु जो यात्रा में आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बाहर के लोग आकर वहाँ पर यात्रा में खलल डालने की कोशिश करते हैं और संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए आसानी से ये मार्ग अपनाए गए हैं। साफ तौर पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु जो जम्मू कश्मीर पहुंचे बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, साथ ही साथ उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए प्रशासन ने अभूतपूर्व इंतजाम जो है वो यहाँ पर इस बार किया। बिल्कुल, और बिल्कुल रजत, और जिस तरीके की आपदा का सामना पिछली बार श्रद्धालुओं को करना पड़ा था वो ईश्वर ना करे कि किसी को भी कभी भी देखना पड़े, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ये तय किया है कि जहां पर ये केव है गुफा जो है बाबा बर्फानी की वहां पर नाइट स्टे नहीं होगा। अब तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए कि जितने श्रद्धालु नीचे से ऊपर पहुंचेंगे उनको फौरन वहां से वापस कर दिया जाएगा, और लगभग ये कितने बजे तक दर्शनों की इजाजत होगी? जी अमूमन यहाँ पर देखा गया है कि 8 से 9 बजे तक शाम को दर्शनों की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि प्रशासन के द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर लाइट्स हैं वो भी इंस्टॉल की गई हैं, और ख़ास तौर पर इस बार मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ पर जो पत्थर गिरने वाले जो इलाके हैं, जो स्टोन प्रोन एरियाज़ हैं, स्टोन वहाँ पर जो है सभी यात्रियों को जो हेलमेट्स हैं वो दी जाएंगी। वो श्राइन बोर्ड के CEO ने भी बताया कि 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर का मार्ग है जहाँ पर ये सभी यात्रियों को हेलमेट दी जाएंगी ताकि
उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसके अलावा आईटीबीपी और जो वहाँ पर अलग अलग प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी मदद से जो बर्फ़ की जो दीवारें हैं वो उन जगहों पर बनाई गई हैं जहाँ पर पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना आए। और माउंटेन रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि अगर किसी यात्री को परेशानी आती है तो उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर कोई भी अगर परेशानी होती है तो वो जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू भी कर पाएँ, और नज़दीकी जो अलग अलग छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं यात्रा मार्ग पर वहाँ पर पहुँचाया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है रजत। और अभी कुछ देर पहले आपने हमें एक रिपोर्ट वहाँ से भेजी है कि बम बम भोले के नारों के साथ पहला जत्था कैसे रवाना हुआ, भारी सुरक्षा और तमाम इंतजामों के बीच कैसी रहने वाली अमरनाथ यात्रा, रजत की रिपोर्ट। जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप भगवती नगर से आज पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होगा, और उसको लेकर खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो इसको यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे, और उसके बाद 1 जुलाई को कश्मीर के बालटाल और पहलगाम से ये पहला जत्था जो है वो रवाना होगा, जहाँ पर बाबा के दर्शन करके सभी लोग जो आस्था का प्रतीक। इस यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं, और पहले दर्शन करकर ही वो चाहते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जाते हैं। RFID कार्ड लिए ये श्रद्धालु जो हैं वो अब यहाँ जम्मू से रवाना होंगे, और उसके बाद कल पहला जत्था जो है पहलगाम और बालटाल दोनों बेस कैंप कश्मीर से वहाँ से रवाना होगा, और उम्मीद ही है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुँचेंगे, और ख़ास तौर पर जो पिछले साल के कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो 62 दिन की इस यात्रा में जरूर टूटने वाले हैं। जर्नलिस्ट मानिक केनी के साथ रजत पोरा, जी मीडिया, जम्मू। Z News.